वेलकम व्यूअर्स, आज हम आपको अपने दो पेशेंट से मिलवाना चाहते हैं, मिस्टर करण सिंह और अंकित त्यागी जी। ये लोग उत्तर प्रदेश लखनऊ से आए हैं। रिलैक्स। अब जैसे ही मैं इनकी पेल्विस को होल्ड कर रहा हूँ, आई कैन फील लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। इनकी पेल्विस काफी है आपका। मैं तो बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। और तो नहीं जाओगे? नहीं, नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा लाइट हो जाओगे। लाइट हो जाओगे ना। और करण जी, आप बताएंगे आपकी दिक्कत क्या क्या है? बॉडी में पेन, शिन पेन, थोड़े स्पोर्ट्स की वजह से स्पोर्ट्स इंजरी, यही सब। तो मैं थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि मैंने कंसल्टेशन अभी थोड़ी देर पहले की है। तो करण को पाँव में, एक उनका राइट पाँव कम्प्लीटली कोलैप्स है, लेफ्ट में सीवियर लो आर्चेस है, यानी वो भी कोलैप्स की तरफ जा रहा है। और इनको एड़ी से लेके, हैमस्ट्रिंग से लेके, बैक से लेके गर्दन तक सारे पेन्स हैं। और इनका कहना है कि इन्होंने कोई भी गेम नहीं छोड़ा, तो इतने सारे गेम खेले हैं तो उतनी ज़्यादा इंजरीज हुई होंगी, और जिसका इम्बैलेंस की वजह से इनका पूरा पोस्चर बिगड़ चुका है। हमने इससे पहले उनके लिए कपिंग की है, नीडलिंग की है, एडजस्टमेंट किया है, और इंसोल भी कस्टमाइज करके दी हैं, ताकि उनका मैक्सिमम बैलेंस हम दोबारा ठीक कर सकें। और अंकित जी, आपकी क्या दिक्कत है? मेरे को बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ ड्राइविंग ये पेन रहता है, पोस्चर की वजह से लोअर बैक, जो कि अब मैं बहुत रिलैक्स नहीं कर रहा हूँ। सो व्यूअर्स, हम सबकी यहाँ पे एक ही कॉमन प्रॉब्लम है, वो है इम्बैलेंस, पोस्चरल इम्बैलेंस। और हम थोड़ा सा आपको अभी दिखाएंगे अंकित पे, अंकित आओ, देखेंगे छोटा टी शर्ट रखेंगे। तो व्यूअर्स, पोस्चरल इम्बैलेंस को देखने के लिए सबसे पहली चीज़ है वो है दोनों पाँव को मिलाना। जैसे ही हम दोनों पाँव को मिलाते हैं, हमें इम्बैलेंस पता चल जाता है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये राइट साइड कितना ज़्यादा अंदर की तरफ बेंड है, और लेफ्ट साइड, और राइट साइड ही थोड़ा सा आगे की तरफ है कंपेयर टू लेफ्ट साइड। तो ये इनका जो पोस्चर है वो बेंड कर रहा है राइट साइड की तरफ। अब जो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पे जो चेक कर रहे हैं, इधर क्लोज, क्योंकि राइट आगे की तरफ जा रहा है, तो नी भी दोनों एक लेवल पे नहीं होंगे। ये विजिबली दिखता है, ये विजिबली नहीं दिखता है। और जैसे हम एसआई जॉइंट पे, पेल्विस पे आते हैं, यहाँ पर भी हमें ये चीज़ महसूस हो जाती है कि दोनों जो एसआई जॉइंट हैं एक लेवल पे नहीं है। तो हम इसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, बेटर करने की कोशिश करेंगे। लेटेंगे, रिलैक्स, ब्रीद आउट, यस, ब्रीद आउट। अपर बैक काफ़ी अच्छे से खुली, और जैसे ही मैं लोअर बैक की, मिडिल बैक की तरफ आया, यहाँ पे मुझे काफ़ी रेजिस्टेंस फील हो रही है कि ये यहीं से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं सारे पोस्चर को। छोड़ेंगे, टाइट कर, टर्न करेंगे मेरी तरफ। व्यूज, यही सारी चीज़ें हम ज़्यादातर वीडियोस में शो करते हैं, बट ये सारे इंडिपेंडेंटली डिफरेंट होते हैं पेशेंट टू पेशेंट। और आपको हम ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि कहीं आपको तो इस तरह की कोई सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम नहीं है। रिलैक्स। जैसे मैं इनकी पेल्विस को होल्ड कर रहा हूँ, आई कैन फील लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। इनकी पेल्विस काफी टाइट है। अब देखते हैं कि कितना हम इसको खोल पाते हैं। ब्रीद आउट। जॉइंट्स बहुत अच्छे से खुले, क्लियरली खुले उस तरफ। आपने महसूस किया ना? कर एक और ट्राई करेंगे, ब्रीद आउट, नाइस, स्ट्रेट, ब्रीद आउट। अब सबसे ज्यादा लाउड क्रैक्स यहाँ पे आते हैं। एक्सप्रेशन फेस कर। लग रहे हैं इनके पाँव, चेक करते हैं। देखिए, इनके पाँव की दिक्कत भी कुछ कम नहीं है। इनके केस में इनका ये जो लेफ्ट साइड है वो आगे जा रहा है, राइट साइड नहीं जा रहा है। आपके केस में राइट था, इनके केस में लेफ्ट है। और प्रोनेशन इनके पाँव में भी है, इनके पाँव में सुपिनेशन है। इनके, आपके पाँव अंदर जा रहे थे, इनके पाँव देखो बाहर आ रहे हैं। तो इनकी कर्विंग जो है वो इस जगह पे यूं आ रही है, ये इनका पोस्चर यूं है।
मैं ज़्यादा बना के दिखा रहा हूँ कम है। तो यही देखिए जो मैं बता रहा हूँ कि इनके लेफ्ट में दिक्कत है, ये काफ पे भी अगर दोनों देखें ये आपको उठी हुई नज़र आ रही है बजाय इसके, तो इनकी जो मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम होगी वो लेफ्ट साइड में है, एमआरआई अंकित जी। और इनके साथ में जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं इनका थोड़ा सा ये पॉस्चर उठा हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सब करेक्टेबल है, ईजी ब्रीथ आउट। और अंकित को यूजली जो दिक्कत होती है वो पंजों से ज्यादा इसके हिप के आसपास दिक्कत होती थी, है ना? उसका रीजन ये है कि जब आपके पांव सुपिनेशन में पड़ते हैं सारा प्रेशर इस जगह पे आता है, और पीछे पीछे ये दोनों मुस्कुरा रहे हैं, कमर फ्री है, सिर्फ सोच के आए थे एडजस्टमेंट के लिए आएंगे, है ना, कि हम एडजस्टमेंट करके सारी चीज़ें करा के चले जाएंगे, बट जब आपके पास पोस्चरल चेंजेस हो जाते हैं, पोस्चरल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, तो आपको उसके साथ बहुत सारी चीज़ें और करनी पड़ती हैं ताकि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें इतने बार बार ना हों। और अंकित क्या एक्सपीरियंस है आपका? मैं तो बहुत लाइट फील कर रहा हूँ और तो नहीं जाओगे? नहीं, नेक्स्ट टाइम उससे ज्यादा लाइट हो जाऊंगा, लाइट हो जाओगे ना। और व्यूअर्स को क्या बोलोगे? व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्लीज विजिट डॉक्टर मिश्रा लखनऊ के व्यूअर्स के लिए, स्पेशली लखनऊ के व्यूअर्स के लिए, कि दिल्ली दूर नहीं है, लखनऊ भी मैं बोलूंगा, मैं तो गाजियाबाद, ये तो आगे भाई है, तो प्लीज विजिट डॉक्टर मिश्रा, कोई भी प्रॉब्लम हो फाइनल डेस्टिनेशन यही है। और लखनऊ के व्यूअर्स के लिए everyone should try who has some problem and I'm feeling much more relaxed आना चाहिए यहाँ पे एक बार ट्राई करें। लखनवी आप सब आए पधारे यहाँ पे, आप डॉक्टर साहब से अपने मिले, कंसल्ट करें, जो आपकी प्रॉब्लम हो आपको उसमें एक इम्प्रूवमेंट पाएंगे। थैंक यू व्यूअर्स हमने थोड़ा सा इसको हिलेरियस रखने की कोशिश की है, आप ये ना सोचें कि हम मजाक नहीं कर सकते, हम भी मजाक कर सकते हैं। और आपको चैनल अच्छा लगता है प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रॉब्लम को हमारे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं। थैंक यू।